हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास पोको X3 प्रो का फ़ोन है और आप सभी को जो फ़ोन है उसमें कैमरा में फैलेट प्रॉब्लम आ रहा है, कैमरा फैलेट करके लिखा रहता है, तो आज के इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि गाइस कैसे आप सभी लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आप सभी लोगों को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गाइज़ आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन करिए या तो फिर रिबूट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैनेज ऐप्स पर चले जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है कैमरा। कैमरा लिखने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से जो कैमरा का एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज में जाना है और इसका डाटा आपको अपने फ़ोन से क्लियर कर लेना है। तो सबसे पहले आप जो है क्लियर डाटा कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन परमिशन में जानी है और यहाँ पे आपको जितने सारे भी परमिशंस दिखाई देंगे तो सारे के सारे परमिशंस को वन बाय वन इस तरीके से क्लिक करना है और अलाउ कर लेना है। तो बस गाइज आपको अपने फ़ोन में इतना ही सेटिंग करना होगा, तो उसके बाद आपको जो है कैमरा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज़ बस इसी तरीके से आप सभी लोग जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।